एक वक्त का किस्सा है, एक गांव में बिट्टू सेठ का होटल था। उसी होटल पे मीठा काम करता था। फिर बिट्टू सेठ अपने होटल पर आता है। छुड़ाओ मीठे भाई, कोई ग्राहक आया कि नहीं? नहीं बिट्टू सेठ साहब, अभी तक कोई भी ग्राहक नहीं आया। इसका मतलब अभी तक कोई सेल भी नहीं हुई। वो अभी बातें कर रहे होते हैं तो एक ग्राहक वहाँ आता है। वह बेटे तुम्हारे होटल की दाल खाकर मजा लिया गया। भाई आप अभी यहाँ से दाल खरीद कर गए थे? जी भाई मजा ही आ गया, बहुत लाजवाब थी। अच्छा मैं चलता हूँ, फिर दोबारा यहाँ से ही खाना खाया करूँगा। ये कहकर वो ग्राहक वहाँ से चला जाता है। ये क्या मीठे, तुमने मुझसे झूठ बोला? ये बहुत गलत हरकत है तुम्हारी। वो क्या है बिट्टू साहब, उन पैसों से मैंने होटल की सब्जी वगैरह खरीद ली थी। तो मीठे तुम्हें ये बात मुझे बतानी चाहिए थी, अब आइंदा ऐसा मत करना, जो बात भी हो मुझे बताना। ठीक है बिट्टू साहब, मैं आपको आइंदा सब बता दिया करूँगा। अच्छा बिट्टू साहब, मुझे घर में कुछ काम है, थोड़ी देर के लिए जा सकता हूँ? ठीक है चले जाओ, पर जल्दी आ जाना। फिर मीठा वहाँ से निकलता है। यार इस मोटे बिट्टू सेठ को तो आज पता लग गया होगा कि मैं इसके पैसे चोरी करता हूँ। वो जा रहा होता है तो अचानक उसकी बोतल पर नजर पड़ती है। यार ये लोग भी पागल हैं जो रास्ते में ही बोतल फेंक देते हैं। चल मीठे तू ही इसे एक तरफ रख दे। फिर मीठा वो बोतल उठाता है। ओए भाई मुझे इस बोतल से आजाद कर दो। यार ये आवाज कहाँ से आ रही है? भाई इधर देखो मैं बोतल में हूँ। है कौन हो तुम और इस बोतल में क्या कर रहे हो? इंसान मैं एक जिन हूँ, मुझे इस बोतल से आजाद करो, मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगा। पर जिन मैं तुम्हें कैसे आजाद करवाऊँ? ओए ढक्कन, मेरा मतलब इस बोतल का ढक्कन हटाओ। फिर मीठा ढक्कन हटाता है तो जिन बाहर आ जाता है। क्या हुक्म है मेरे मालिक, बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तो मीठे की नजर पड़ती है तो सामने से नसीबो आ रही होती है। जिन भाई आप एक काम करो, अभी गायब हो जाओ, थोड़ी देर तक आना। फिर जिन गायब हो जाता है तो नसीबो वहाँ आ जाती है। क्या रे मीठे, किधर जा रहे तू? जरूर अपने मोटे बिट्टू सेठ से डांट खा के आ रहा बेकार। नसीबो डांट खाने वाले दिन अब चले गए, देख अब मैं कितनी तरक्की करता हूँ, अब वो बिट्टू वाला होटल अनकरीब मेरा हो जाएगा। मीठे क्या तेरे हाथ सोने का चिराग लग गया जो ऐसी हरकतें कर रहे तू? नसीबो ऐसा ही समझ ले। फिर मीठे जल्दी से कुछ कर ले, ऐसा ना हो बिंदी रब्बा मेरी शादी किसी और से कर दे बे, और तू हाथ मिलता रह जाबे, इस बारे में सोचियो मैं जा रही हूँ। फिर नसीबो वहाँ से चली जाती है तो मीठा कहता है, किधर हो जिन भाई आ जाओ। ये कहते ही जिन आ जाता है। क्या हुक्म है मेरे आका, मैं आपका गुलाम हूँ, बताओ मैं आपकी क्या ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ? वाकई जिन भाई आप मेरी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। आप मालिक मैं तेरी ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ तीन ही ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। सिर्फ तीन ख्वाहिशें? क्या रे आजाद होते ही नखरे शुरू कर दिए तूने। वो बात नहीं है मालिक, वो क्या है, हम जिन लोगों ने एक कायदा बनाया हुआ है। वो कौन सा कायदा है मुझे बता, जरा मैं वो तेरा कायदा फाड़ देता हूँ। अरे इंसान महंगाई का दौर चल रहा है, इसलिए कोई भी जिन अपने मालिक की तीन से ज्यादा ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता। अगर किसी जिन ने कायदे के खिलाफ वर्जी की तो उसे बरादरी से निकाल देंगे। इसका मतलब बहुत सोच समझ कर मुझे अपनी ख्वाहिशें पूरी करवानी पड़ेंगी। जिन एक काम कर, यहाँ से चल, घर जाकर तुझे बताता हूँ। जो हुक्म मेरे आका। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और मीठा घर आकर सोचने लगता है, अब इससे पहले कौन सी ख्वाहिश पूरी करवाऊँ? मालिक क्या सोच रहे हो, बताओ अपनी पहली ख्वाहिश, मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। अच्छा जिन तू एक काम कर, मेरे बिट्टू सेठ को मुलाजिम और मुझे उसका मालिक बना दे। जो हुक्म मेरे आका, संभल कर चल नहीं तो लग जाएगी ठोकर, मेरे आका के मालिक को बना दे नौकर। ये मंत्र पढ़ते ही बिट्टू का होटल सब गायब हो जाता है। ये क्या मेरा होटल किधर चला गया, हाय ये क्या हो गया मेरे शान, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। आका बना दिया है मैंने तुम्हारे मालिक को।
से नौकर। अरे वाह, चल अब जल्दी से मुझे मालिक बना दे। जो हुक्म मेरे आका, चलो बच्चों बजाओ ताली, इस इंसान को बना दे माली। तो मीठा माली बन जाता है। अबे जिन तू गम सुनता है क्या, मैंने तुझे माली नहीं मालिक बोला था, सेठ बोला है सेठ। सॉरी आका, गलती से मिस्टेक हो गई, पर आप फिक्र क्यों करते हो, मैं भी आपको मालिक बना देता हूँ। गधे के मुंह पर कालक, मेरे मालिक को बना दे मालक। फिर मीठा होटल का मालिक बन जाता है। वाह जिन, तूने तो कमाल कर दिया, अब बन गया हूँ मैं इस होटल का मालिक। अब नसीबों का बाप मेरे पांव पकड़कर मेरी नसीबों से शादी करवाएगा। जबकि बिट्टू उदास जा रहा होता है तो रास्ते में उसे दो आदमी मिलते हैं। अरे अरे बिट्टू, किधर घूम रहा है इस उलिये में, और मेरे 2 लाख कब देगा? भाई जान, मैं कोई सेठ नहीं रहा, पता नहीं अचानक मेरा होटल कहाँ गायब हो गया और मेरा ये हाल हो गया। अबे भाई कुछ नहीं जानता, ये तो अपने बाप की भी नहीं सुनता, तू बस भाई के 2 लाख रुपए दे वरना तेरी खैर नहीं। भाई मैं कहाँ से 2 लाख रुपए दूँ, मेरा तो सब लूट गया है, मैं बर्बाद हो गया हूँ। देख बेटू, मुझे कुछ नहीं पता, तू चोरी कर चाहे डाका डाल, मुझे मेरे पैसे दे, तेरे पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है, चल भाई अब चल यहाँ से। फिर वो दोनों आदमी वहाँ से चले जाते हैं और वो एक दरख्त के नीचे आकर बैठ जाता है। तो एक बूढ़ी औरत वहाँ आती है। बेटा बेटा, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है, मेरी मदद कर दे। माँ जी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं तो लुट गया हूँ, बर्बाद हो गया हूँ। क्या हुआ बेटा तेरे साथ? फिर बिट्टू उसे सारी बातें बताता है। बेटा ये तो तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मैं तेरे लिए कुछ करती हूँ, तू मुझे अच्छा इंसान लग रहा है। ये कहते ही वो औरत चुड़ैल बन जाती है। ये माँ जी, आपको क्या हो गया? आप कौन हो माँ जी? ए इंसान, तू डर मत, मैं चुड़ैल हूँ, मैं तेरा मसला करती हूँ। पर चुड़ैल बाजी, आप मेरा मसला कैसे हल करोगी? ए इंसान, तू बस देखता जा, मैं हूँ एक चुड़ैल, जिसने भी ये सब किया है उसे पहुँच जाएगी मेरी मेल। तो दूसरी तरफ जिन मीठे को कहता है, मालिक मुझे बरादरी से मैसेज आया है, मैं अभी आता हूँ। फिर वो जिन गायब होकर चुड़ैल के पास आ जाता है। चुड़ैल आपने मुझे क्यों बुलाया? और जिन मुझे सब बताइए, उस लड़की के साथ ऐसा किसने किया है? फिर वो जिन उसे सारी बातें बताता है। ये सुनकर बिट्टू और चुड़ैल हैरान रह जाते हैं। और जिन, तूने ये गलत किया है इस इंसान के साथ, मैं जिन एसोसिएशन को बोल कर तुझे अपनी बरादरी से निकलवा दूंगी। नहीं नहीं चुड़ैल, आप भी मेरे साथ ऐसा मत करना, मैं सब ठीक कर दूंगा। ठीक है, जल्दी से सब ठीक कर और उस मीठे इंसान को जज़्ब दिखा। ठीक है जिन, आप भी मैं ऐसा ही करूँगा। फिर जिन वहाँ से गायब हो जाता है। ठीक है इंसान, मैं अब चलती हूँ, तू यहाँ ही इंतजार कर, सब ठीक हो जाएगा। चुड़ैल बाजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर चुड़ैल गायब हो जाती है और दूसरी तरफ जिन मीठे के पास आ जाता है। और जिन, तो किधर चला गया था? मालिक, मुझे मेरी बरादरी ने वापस बुला लिया था। अच्छा मालिक, अपनी आखिरी ख्वाहिश बताओ, वो पूरी करके मैंने अपनी बरादरी में वापस जाना है। अच्छा जिन, तो फिर एक काम कर, मुझे ऐसा कारोबार करवा कर दे जिसमे पैसा आता ही आता हो, जाता ना हो। अब इसको ऐसा सबक सिखाता हूँ कि ये याद रखेगा। अबे जिन, क्या सोच रहा है, मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर। अच्छा अच्छा, अभी पूरी करता हूँ। गांव में पड़े जितना भी मंदा, पर मेरे आका को मिले पैसे वाला धंधा। तो मीठा फकीर बन जाता है। अबे जिन के बच्चे, ये तूने क्या कर दिया, ये कौन सा कारोबार करवा कर दिया है मुझे, तूने तो मुझे फकीर बना दिया। हाँ तो मालिक, आपने खुद ही कहा तो मुझे ऐसा कारोबार बना दो जिसमें पैसा आए जाए नहीं। मालिक, इसमें खूब पैसा आता है जाता नहीं है, आप फकीर बनकर लोगों से खूब पैसा मांगा करो, मैं अब जा रहा हूँ। ये कहकर जिन गायब हो जाता है, जबकि बिट्टू को उसका होटल वापस मिल जाता है और मीठे को लालच की अच्छी सजा मिल जाती है।